सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मन सा वाचा कर्मणा, अपने स्वभाव में उतारना, हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। निरंतरता से जब स्वाध्याय हम करते हैं, निरंतरता से किसी अनुष्ठान के लिए हम लगते हैं, तो वह अनुष्ठान, वह स्वाध्याय हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हम एक एक शब्द का, एक एक बात का ध्यान करते हुए जो संकेत है उस परमपिता परमेश्वर की जो वाणी है, यह कल्याणी वेद वाणी, इससे नए नए ज्ञान से हम अभिषिक्त होते हैं और यह ज्ञान हमारे संपूर्ण मस्तिष्क को ज्ञान से प्रकाशित करने का, शरीर को सुदृढ़ स्वस्थ बनाने का तथा जीवन को हर प्रकार से कल्याणकारी यजनशील बनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है, वो दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है। बिना दृष्टि के कोई भी व्यक्ति आगे कदम नहीं बढ़ा सकता है। यह दृष्टि वास्तव में सृष्टि का कल्याण करने वाली होती है। अपना स्वभाव हमारा श्रेष्ठतम होना चाहिए, अपना स्वभाव ऐसे वेदानुकूल आचरण से युक्त होना चाहिए, वेदोक्त, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान ही मनुष्य के जीवन का और इस जगत का उद्धार कर सकता है। तो यह जो उपदेश, आदेश, संदेश है, इसको हम अपने जीवन में उतारें। बहुत ही सुंदर उपदेश किया है कि हम जीवन को पूर्णता से युक्त करें, परिपक्वता से युक्त करें, परिपक्व जीवन हो, पूर्ण जीवन हो, अधूरा जीवन ना हो, अपरिपक्व ना हो। जीवन को हम अल्प नहीं अपितु पूर्ण रूप से जीने का प्रयत्न करें। तो यह अल्पता हमारी क्षीण हो जाए, हम पूर्णता को प्राप्त हों, ऐसा उपदेश आज हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 7वें सूक्त का पहला मंत्र, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यह प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि। विश्वायुर्धेहि। यजथाय देव यजथाय देव सचे मही तव दस्मा प्रकृतिरुष्या प्रकृतैर् रुष्या। प्रणा उरुभिर्देव उर्भिर्देव संशयैः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 7वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथाय देवा सचेमहि तव दस्मा प्रकृतैरुष्याणावुर्भिर्देव संसैः। ओम स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथाय देवा सचेमहि तव दस्मा प्रकृतैरुष्याणावुर्भिर्देव संसैः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे अग्नि, अग्रणी प्रभु, न हमें दिवह दिवलोक के दृष्टिकोण से तथा पृथिव्याः पृथ्वी के दृष्टिकोण से स्वस्ति अर्थात उत्तम स्थिति प्राप्त हो, कल्याणकारी स्थिति प्राप्त हो। यह जो त्रिलोकी है, यह त्रिलोकी जैसे दिवलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, उसी प्रकार से यह शरीर जो ब्रह्मांड है और यह जो शरीर ये पिंड है, तो तीनों लोक दोनों में घटते हैं, चाहे ब्रह्मांड की हम बात करें और चाहे पिंड की बात करें। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है कि हे अग्नि, हे अग्नि प्रभो, सबको आगे बढ़ाने वाले, सबको तेजस्वी बनाने वाले, प्रकाशित करने वाले प्रभो, आप हमारे इस शरीर को, जो दिवलोक ही वास्तव में यहाँ शरीर में मस्तिष्क का कार्य करता है, मस्तिष्क के रूप में है, और पृथ्वी यहाँ यह संपूर्ण हमारा स्थूल शरीर है। हमारा मस्तिष्क भी उच्च स्थिति में हो और हमारा यह शरीर भी पूर्ण निरोगी हो, भाव चेतना हमारी दिव्य हो, दृढ़ शक्ति वाली हो, परिपक्व हमारा ज्ञान हो, अपरिपक्व ना हो, अधकचरा ज्ञान ना हो, अहंकार की भावना, अन्याय, अधर्म, अविद्या, अज्ञान ये हमसे दूर रहें। हम वास्तव में ज्ञान से परिपूर्ण हों, और ज्ञान है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, तो कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, विद्वान व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक उस ज्ञान का हम सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान के साथ साथ हमारा यह शरीर उत्तम हो, स्वास्थ्य उत्तम हो, इसका शरीर रोगी न हो जाए। इसलिए हे देव, सब आवश्यक पदार्थों के देने वाले प्रभु, यजथाय यज्ञशील के लिए, जो वास्तव में अपने जीवन को जगत की सेवा में लगाने का संकल्प लेता है, जो वास्तव में शरीर से संसार का कल्याण करना चाहता है, तो वह उसका शरीर भी कल्याणकारी हो, यजनशील जीवन उसका जो है। विश्वायु देहि, पूर्ण जीवन को धारण करिए प्रभु। यज्ञशील पुरुष के शरीर, मन व मस्तिष्क सभी बड़े सुंदर होते हैं, और इनके सुंदर होने पर हमारी यज्ञ की शक्ति बढ़ती है, कल्याणकारी हमारी शक्ति बढ़ती है, ये जीवन को दिव्य भव्य बना करके आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। हे दसमा, हे प्रभु, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को, इन शत्रुओं को नष्ट करने वाले प्रभो, हम तव प्रकेतई ही, आपके प्रकृष्ट जानों को, आपके उत्तम जानों को धारण करने वाले बने। आप दिव्य गुणों के पुंज हैं प्रभो, सचे में ही हम उस दिव्यता से, उस ज्ञान से संपृक्त हों, उपकृत हों, हम लेश मात्र मन में क्लेश वाले ना हों। शत्रुओं को आप नष्ट करते हैं और हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। हमें उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हो प्रभो, आप दिव्य गुणों के पुंज हैं प्रभो, सब जानों को प्रदीप्त करते हैं। उर्भी संशयी ही, विशाल संसनों के द्वारा हमारे हृदयों को उदार व विशाल बनाने वाली प्रेरणाओं के द्वारा नह पुरुष्या, हमारा रक्षण कीजिए प्रभु। वेद के सब उपदेश हमें बड़ा उदार बनाने वाले होते हैं। वेद का एक एक मंत्र, एक एक अक्षर वो हमारे जीवन में अत्यंत दिव्यता का आधान करने वाला है। हमारे संपूर्ण कर्मों को पवित्र बनाने वाला है, हमारे जीवन को पूर्ण बनाने वाला है। इसलिए हे प्रभु, आपसे यहाँ प्रार्थना है, आपकी भक्ति, आपकी स्तुति प्रार्थना से हमारे जीवन में वो जो शक्ति, जो भक्ति भाव आता है वह मुक्ति की ओर ले जाता है। परंतु हे प्रभु, आप से हम जब दूर होते हैं, हमारे सामने जब अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, हमारे स्वभाव में जब संसार की भोग की वृत्ति आ जाती है, तो फिर हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं और अपने शरीर को भी, अपने मन मस्तिष्क को भी हम रोगी बना लेते हैं, हम दोषी हो जाते हैं, हम भोग भावना से, भोग वृत्ति से युक्त होकर के कभी भी मुक्ति की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है वो कैसे जीवन को श्रेष्ठता से जी सकेगा। आप वेद का उपदेश करके हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं। वेद के सब उपदेश वास्तव में हमारे जीवन को उदार बनाते हैं। और अज्येष्ठासो अकनिष्ठासा एते संभ्रातरो व वृद्धो सौभागाय, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब भाई भाई हैं और हमें सौभाग्य के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरे तेरे की भावना, ये मैं तो की भावना हमारे उत्कर्ष के लिए नहीं है, हमारे उन्नति के लिए नहीं है, हमारे विकास के लिए नहीं है। इससे अपकर्ष होगा, इससे अवनति मिलेगी, इससे हमारा विनाश होगा। हम जब संग छद्वम संवदध्वम की भावना से एक दूसरे का सनुबंधुर जनिता सविधाता वो हमारे अंदर भावना है कि मेरा तेरा नहीं, हम सबका है और हम सबके पिता परम पिता जब यह उपदेश, यह विधि निषेध के द्वारा हमको समझा रहे हैं, तो हमको वैसा ही जीवन जीना चाहिए। सौभाग्य के लिए हमको आगे बढ़ना है। भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, ये जो प्रबल हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, इस प्रबल उपदेश से युक्त हो कि धरती माँ, इस धरती माँ सबकी माँ है और वास्तव में मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका सुत हूं, मैं इस पृथ्वी माँ का पुत्र हूं और इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनसे वैर भाव न रख करके, उनसे मैत्री का भाव रख करके, सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रख करके, मनुष्यों के प्रति भ्रातृत्व का भाव रख करके जब आगे बढ़ूंगा तो वास्तव में मेरे अंदर की यह कुत्सित भावना, संकुचित भावना, संकीर्ण भावना दूर हो जाएगी और यह भावना हमें देश की संकुचित सीमा से भी ऊपर उठाने वाली होगी। अयो तो हम, मैं सबके साथ हूँ, अपृथक हूँ, यह भाव हमें सभी में एकत्व का दर्शन कराने वाला होगा। यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यता। यह जो एकत्व की भावना है, यह जो एक सूत्र में सबको पिरोने की भावना है, इस भावना से हम सदा ओतप्रोत हों, उसके लिए यह उपदेश हमको मनसा वाचा कर्मणा धारण करना है और इस जीवन को पूर्णता से युक्त करना है, परिपूर्ण जीवन जीना है। अधूरा, अधकचरा ज्ञान यह इंसान उससे कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान करें और परमात्मा का ध्यान करें, एक दूसरे से कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। बहुत सुंदर बात कही है। आदमी को आदमी से प्रीत करनी चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए, एक दूजे से सदा मधुर व्यवहार करना चाहिए। जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में, गुण कर्म से छोटा बड़ा स्वीकार करना चाहिए। विश्व के सब प्राणियों की एक सी है आत्मा, परस्पर सद्भाव का विस्तार करना चाहिए। सब जगह विराजमान एक ही परमात्मा, जान चक्षु खोल कर दीदार करना चाहिए। जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो, पुण्य का मौका मिले हर बार करना चाहिए। गैर को शुभ कर्म करने की करो यदि प्रेरणा, पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना, धर्म रूपी नाव से भव पार होना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, एक दूजे से सदा मधुर व्यवहार होना चाहिए। तो हम ऐसे जीवन जी सकें, ऐसा हमारा प्रयास हो और यही एक शुद्ध, पवित्र, समरसता से युक्त, सशक्त और समर्पित पूर्ण जीवन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।